अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ज़ा ज़ैनब। नाज़रीन, आपको बता दें, कोविड 19 के केसेस देश भर में बढ़ने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की भी बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी जो कोविड 19 के केसेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके चलते अगर देखा जाए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट लास्ट ईयर की बात करें तब भी लीडिंग केसेस थे, इसमें अनफॉर्चुनेटली इस बार भी सेकेंड वेव में भी कोविड 19 के केसेस श्रीनगर में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कल की अगर बात की जाए तो 1100 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस पाए गए, जो कि बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। यहाँ आपको ये बता दें, केसेस के चलते जो कोविड 19 के पॉजिटिव केसेस बहुत तेज़ी से आने लगे हैं, उसके चलते कल डिप्टी कमिश्नर एजाज असद ने ये ट्वीट करके इन्फॉर्म कर दिया था लोगों को कि श्रीनगर में जो 144 सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया जाएगा, जिसके चलते जो लोगों में भी एक लॉकडाउन वाला एक फील आया था कि एटलीस्ट अब लोग सड़कों पे नहीं चलेंगे, अब भीड़ भाड़ नहीं होगी, शायद अब सिचुएशंस थोड़ा सा सही होने लगेंगी, कोविड 19 के केसेस में जो है कमी आने लगेगी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं जो सेक्शन 144 लगाया गया था, यहाँ सेक्शन 144 कहीं भी लगते हुए नजर नहीं आ रहा है, यहाँ अमल में नहीं लाया गया है। शायद आप देख सकते हैं पीछे लोगों की भी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, गाड़ियां भी आराम से चल रही है, ट्रैफिक का जो ट्रैफिक की नकलो हरकत है वो जैसे पहले हुआ करती थी वैसे आज भी है। तो ये किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपना ट्वीट करे, उसके बाद अमल में जो लोग हैं, नो डाउट इंडीड लोगों को जो है अमल करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है लोगों को अमल कराने के लिए यहाँ जो है अमल कराने के लिए यहाँ स्टाफ होना चाहिए, जो कि सेक्शन 144 के तहत सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि सेक्शन 144 मेंटेन रहे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, लोग आराम से शॉपिंग भी कर रहे हैं, चलते फिर यहाँ नकलो हरकत आपको आराम से दिख सकती है। हम लाल चौक श्रीनगर में मौजूद है। देखिए, यहाँ आपको एक जिम्मेदारी से सोचना पड़ेगा। देखिए, सेक्शन 144 अगर इम्पोज कर दिया गया, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जो है कोऑपरेट नहीं कर रही है, या एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ ट्वीट करके इन्फॉर्म कर दिया है, बाकी सारा काम जो है लोगों पे छोड़ दिया है, तो एटलीस्ट अगर एडमिनिस्ट्रेशन लापरवाही कर रही है, कम से कम लोगों को जो है रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि लोगों को अपने लिए जिंदा रहना है, लोगों को अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहना है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिंदा नहीं रहना है। तो यहाँ आप बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ आप जब बहुत मुश्किल काम हो या जब आपको लगे कि बहुत मैंडेटरी है आपका घर से बाहर निकलना, तभी निकले। जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी बंद है, यहाँ तक कि स्कूल्स में जो स्टाफ है उसको भी जो है स्टाफ को भी कहा गया है कि वो घर से ही ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन जितने भी उनको ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो अपने घर से ही करा सकते हैं। तो जो भीड़ भाड़ मार्केट्स में देखने को मिलती है, वो भीड़ भाड़ क्यों? आखिर अगर ये बताया जा रहा है कि 15th मई तक जो है इसमें ग्राफ इंक्रीज होता जाएगा, तो इस ग्राफ को डिक्रीज करने के हम रिस्पॉन्सिबली रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर एडमिनिस्ट्रेशन लापरवाही कर रही है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ ट्वीट करना है, तो क्या हमारा काम रिस्पॉन्सिबली एज अ सिटीजन काम करना नहीं है? रिस्पॉन्सिबली आप घर से तभी निकले जब मैंडेटरी है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं, कोविड 19 के जो केसेस है, आप भी जानते हैं जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से बढ़, 18 जो है डेथ्स हुई है। इसमें आपको बता दूं, डेथ्स हुई है 75 ईयर ओल्ड मैन जो है वो बादामारी से है, 76 ओल्ड मैन जो है वो जकुरा से है, 58 ईयर ओल्ड वुमेन वो छानापुरा से, 76 ईयर ओल्ड वुमेन नवशारा से, 62 ईयर ओल्ड लेडी नवाकदल से, 45 ईयर ओल्ड मैन पालपोरा से, 56 ईयर ओल्ड मैन फ्रॉम बागात एरिया ऑफ श्रीनगर, 65 ईयर ओल्ड फ्रॉम कुंजर, 70 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम बारामूला, 82 ईयर्स ओल्ड वुमेन फ्रॉम किश्तवाड़, 65 ईयर ओल्ड फ्रॉम पांपोर। और आपको यहाँ ये भी बता दें, देखिए केसेस या आप डेथ्स की बात की जाए, हम डेथ्स गिनते हैं, हम केसेस रोज गिनते हैं, लेकिन हम जो है एहतियात नहीं बरतते हैं, अभी भी जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है। सेक्शन 144 लगाया गया लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन कहीं भी नहीं है, लोग आराम से चल फिर रहे हैं, चार पाँच लोगों का देखिए, जैसे सेक्शन 144 में चार पाँच लोग जमा नहीं हो सकते हैं, आप खुद आके मार्केट में देखिए, मार्केट में लोग आराम से नकलो हरकत दिख रही है हमें लोगों की। देखिए, हम लोगों से ये नहीं कह रहे कि आप बाहर ही ना निकले, आपको मैंडेटरी आप बाहर निकलिए, आप खरीदो फरोख्त करिए, आपको मजबूरी का सामान लेना आप लीजिए, लेकिन अभी जो फेज चल रहा है 15th मई तक जो ग्राफ इंक्रीज होगा, उस ग्राफ को इंक्रीज ना होने दे, अपनी जान बचाए, अपनी फैमिली की जान बचाए,
और साथ ही ये भी बता दूं जिनको सिम्टम्स लग रहे हैं वो प्लीज अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि आप टेस्ट नहीं कराते हैं तो ये केसेस जो है और भी इंक्रीज होंगे। जैसा कि आप, मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें जो ट्रांसमिशन रेट है फर्स्ट वेव से 3 to 4 times ज्यादा है। प्लीज इन केसेस को इंक्रीज ना होने दे, प्लीज अपने घरों में रहिए। हम नहीं चाहते आप पैनिक करें, लेकिन सिचुएशंस ऐसी है कि एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए कैमरामैन खान मुदसर के साथ मैं फजा जैनब, श्रीनगर, कश्मीर।